चैंपियनशिप जो रशिया में थी 17 से 26 नवंबर, और इसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल का सारा सेम अपने कोसाब को दबा, जिन्होंने मुझे इस तरीके से तैयारी की। मैं बोला सा के लिए 2020 ओलंपिक्स के लिए मेरी तैयारी है, और अपने मैं विष्णु कोसाब के पास ही ट्रेनिंग करता हूँ और इनके पास करता रहूँगा आगे तक। मेरी क्वार्टर फाइनल बाउट क्रोशिया थी, और उसके बाद सेमी प्री क्वार्टर बाउट थी क्रोशिया के साथ, क्वार्टर फाइनल बाउट थी रोमानिया के साथ, और सेमीफाइनल थी क्यूबा के साथ। वहाँ का जो है क्लाइमेट सूट नहीं किया, इसलिए मैं बीमार हो गया था, इसलिए सेमीफाइनल में मुझे हार का सामना करना पड़ा। 2020 ओलंपिक्स, उससे पहले 2018 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होने हैं ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के अंदर। जो मेरा शिष्य नमन कुमार, जिसने यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राष्ट्र पदक प्राप्त किया है, मुझे बड़ी खुशी है। आने वाले 2018 एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स से यह बच्चा देश के लिए जरूर मेडल प्राप्त करेगा, और उसी प्रकार से मैं इनकी तैयारी करवाऊंगा, और मुझे उम्मीद है कि ये मेरी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भिवानी के 2 बॉक्सर गए थे और दोनों ने ही पदक प्राप्त किए, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। इसमें एक रिकॉर्ड है भिवानी का, और मुझे भी कि हम अपना धन लगाएंगे और भिवानी की म्यूनिक्यूबा का नाम बॉक्सर तैयार करेंगे, ओलंपिक में भी मेडल तैयार लेंगे। सैकड़ों खिलाड़ियों को नेशनल लेवल पे और कम से कम 50 खिलाड़ियों को इंटरनेशनल लेवल पे तैयार किया है, और आगे भी जब तक मेरा जीवन है बॉक्सिंग के सब को समर्पित है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी प्रकार बच्चे आगे निकलें और बच्चे बनता रहे। हमारे जिला खेल अधिकारी यहाँ आए और मुझे बड़ी खुशी है, और उम्मीद है कि ये आगे सरकार को अपनी बात रखेंगे और बच्चों को हौसला अफजाई के लिए किसी भी सामान मेडल लेके आया। एक लड़का और गोल्ड मेडल लेके आया, 2 मेडल आए हैं भिवानी से इस यूथ चैंपियनशिप में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में। और ये सभी बच्चे मेरे हिसाब से इनके जो कोचिज है इतनी मेहनत है कि ये ओलंपिक वगैरह में अगर मेडल कोई आएगा बॉक्सिंग में तो भिवानी से ही आएगा।